बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने देखा था कि अगर हम अमलगमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें और उस सिनेरियो में हमने क्या कौन सा अकाउंट यूज किया था, रियलाइजेशन अकाउंट यूज किया था बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरह हम रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी रिवैल्युएशन अकाउंट से हमने सॉल्व किया था। तो इवन दो सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं थी रिवैल्युएशन अकाउंट बनाने की, लेकिन आपको पता है कि गेन या लॉस निकालने के लिए आपको रिवैल्युएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा अगर अकाउंट नहीं बनाना तो एटलीस्ट वर्किंग टूल जरूर होगी, राइट। अब हम ये देखते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में हमने बेसिकली करना क्या है। चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में आपके पास जो अमलगमेशन का टॉपिक है, अमलगमेशन या मर्जर का, इसके अंदर आपको दो तरीकों से आंसर करना आना चाहिए। एक तो है यूजिंग रीवैल्यूएशन एंड दूसरा क्या है आइदर ऑफ द टू, ठीक है जी। ओसामा, बाकी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, ओसामा से वापसी का इश्यू होगा। अच्छा, तो आपके पास या तो आप अमलगमेशन को करोगे रिवैल्युएशन अकाउंट, नॉर्मली रिवैल्युएशन से ही आप सॉल्व करते हो, लेकिन अगर सवाल में आ जाए अमलगमेशन का सवाल है, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हमने किस सिनेरियो में पढ़ा था, रियलाइजेशन अकाउंट हमने पढ़ा था जब हमने चीजों को खत्म करना हो डिसोल्यूशन के केस में, राइट। यानी कि क्या हो कि बिजनेस जो है ना वो आपका डिसकंटिन्यू हो रहा हो, तो हम उसमें कहेंगे कि भाई हमने क्या करना है, बिजनेस को बेसिकली रियलाइज करना है, डिसॉल्व करना है, राइट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसोल्यूशन के केस में करते हैं, और रियलाइजेशन का मतलब भी थोड़ा बहुत इसी सिनेरियो में आता है कि जब आप एसेट को बेच रहे होते हो, रियलाइज कर रहे होते, यानी कि खत्म कर रहे हो, अपने पास से निकाल रहे हो। तो अमलगमेशन तो एक डिफरेंट ही सिनेरियो है, अमलगमेशन में बिजनेस डिसकंटिन्यू तो हो नहीं रहा, डिजोल्व तो हो नहीं रहा, बस क्या हो रहा है कि दो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो चलते आ रहे थे अब वो क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एंड दे आर कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। तो उस सिनेरियो में भी अगर हमें कहा जाए कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट को अप्लाई करना है, तो आपने बस याद ये रखना है रियलाइजेशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं एसेट्स के, लायबिलिटीज के, उनको आपने क्लोज करना है, खत्म करना है, राइट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने अमलगमेशन में भी अप्लाई करना है। बात क्लियर हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पज, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर चेंज नहीं होगा, भले वो डिसोल्यूशन में हो, भले वो अमलगमेशन में हो। रियलाइजेशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंट को क्लोज करना, ऐसी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में कि दूसरे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो टी अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना आ जाए, जीरो पे आ जाए, ठीक है। रिवैल्युएशन अकाउंट ऑन द अदर हैंड, रिवैल्युएशन की एंट्री पास करने से आपका कोई एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज नहीं होता, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वैल्यू रहता है अभी तक उसमें, बैलेंस रहता है, राइट। क्लियर है बात? तो ऑब्जेक्टिव आपको पता लग जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर आपको सॉल्व करना भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास है ये ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये सवाल है अमलगमेशन का, ठीक है, अमलगमेशन का सवाल है, और रिक्वायरमेंट में ये बड़ी अजीब थी, इसने पहली दफा जब ये टेस्ट किया था तो काफी पैनिक क्रिएट हो गया था, ऑटम 2015 इतनी पुरानी बात नहीं है, ठीक है। ऑटम 2015 में ये जब टेस्ट हुआ तो काफी पैनिक क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स के दरमियान, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते आ रहे थे अमलगमेशन को, तो हम सिर्फ रिवैल्युएशन के थ्रू ही करते थे, रियलाइजेशन को तो हमने कभी हिट ही नहीं किया, राइट। तो लेकिन असल में इसमें पैनिक क्रिएट करने की बात ही नहीं थी, जिनको समझ में आ गई थी नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वो आराम से, और ये बात भी समझ में आ गई थी कि मटेरियल डिफरेंस बेसिकली दोनों में से प्रेजेंटेशन का ही एक किस्म का और ऑब्जेक्टिव का, राइट। वन रिवैल्युएशन और रियलाइजेशन आपको थोड़े बहुत सेम सेम रिजल्ट ही देते हैं, राइट।
तो एक दफा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इस सवाल को भी आराम से कर सकते हैं, अगर ये आपकी अटेम्प्ट में था उस टाइम, राइट। तो करते हैं इसको। M1 में क्या कह रहा है, ए एंड बी वन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, दे अग्रीड टू अमलगमेट देयर बिजनेस ऑन 31 अगस्त 2015 विद सी एंड डी हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनरशिप फर्म्स के दरमियान अमलगमेशन हो रहा है, तो आपको बाय रूल एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप के सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होती, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको हमेशा गिवन होगा, राइट। अमलगमेशन के लिए जितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है उन सबका SOSP, तो बैलेंस शीट आपको गिवन है, कौन सी डेट का, 31 अगस्त का, इसको जरा स्टडी कर लेते हैं। ABN कंपनी में लाइबिलिटीज से शुरू करते हैं, तो ट्रेड क्रेडिटर्स है, करंट अकाउंट भी अब इसमें आ गया। अब हम देखते हैं, जो मैं आपको स्टेप नंबर 4 पे बताती हूँ ना, पूरा मैंने लिखवाया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व ही नॉर्मली होता है या रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, और आगे मैंने आपको स्टेप नंबर 4 में जो हम एडमिशन और रिटायरमेंट के स्टेप करते आ रहे हैं उसमें जो मैंने आपको ये बात बताई हुई कि भाई अगर करंट अकाउंट हो तो उसको भी आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट, खत्म करना है उसको, ट्रांसफर करना है, यानी कि उसको आपने कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाना है, क्लोज कर देना उसको, राइट। एडमिशन और रिटायरमेंट का स्टेप नंबर 4 है ये। तो इत्तेफाक से हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी ऐसे क्वेश्चन, वो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ए का करंट अकाउंट नजर आ रहा है 6.3 मिलियन, ठीक है। डी का, अच्छा तो CDN कंपनी के केस में, और आपको कैपिटल्स भी नजर आ रहे हैं, ए और बी के यहाँ पे कैपिटल नजर आ गए, यानी कि ये लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, ABN कंपनी और CDN कंपनी, फिक्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अच्छा जी, लेकिन इसमें अगर आप नोट करें, इसमें जरूरी नहीं है कि बी का भी आपको करंट अकाउंट नजर आया, वो किसी रीजन की वजह से नहीं होगा, सारा का सारा कोई ऐसा अमाउंट होगा नहीं उसके करंट अकाउंट में, राइट। लेकिन अपेरेंटली यही लग रहा है कि इन्होंने ए के लिए करंट अकाउंट बैलेंस आपका कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। CDN कंपनी के केस में भी यही है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डी का करंट अकाउंट आ गया और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है और बाकी सारे नॉन करंट और करंट एसेट्स नजर आ गए। आगे क्या कह रहा है, अग्रीड टर्म्स फॉर अमलगमेशन आर एज फॉलो, द वैल्यूज ऑफ गुडविल वर अग्रीड एट ₹3 लाख फॉर ABN कंपनी एंड ₹1 लाख फॉर CDN कंपनी। ये बात हमने कल भी देखी थी कि अमलगमेशन के वक्त आपको ओल्ड फर्म्स के सेपरेट गुडविल्स भी गिवन होंगी, मिलता ही है, रिक्वायर्ड है, रीजन भी हमें गुडविल को रेज करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड बुक्स के अंदर, राइट। आगे वो कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो द न्यू फर्म विल बी 2:1:1:1 फॉर ABC&D, ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 20 मिलियन शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, फॉरन से बेल बजनी चाहिए, टिंग टिंग, मतलब ये हुआ बैलेंस कैरेट डाउन वुड बी कैलकुलेटेड, बैलेंस कैरेट डाउन का टोटल आना चाहिए 20 मिलियन, बैलेंस कैरेट डाउन कहाँ का, न्यू कैपिटल अकाउंट का, इज दैट क्लियर, फॉलो कर रहे हैं सारे, ठीक है जी, ओके कर दे रहे, वेरी गुड, जवाब ने कर दिया, बाकी हमीदुल्ला, नसीर, हसनैन, उसामा, अच्छा आज उसामा का नाम चेंज है, चौधरी उसामा लिखा हुआ उसामा ने आज, आप वही है ना, उसामा नजीर ही है ना, चले नाम मत चेंज क्या करें, अच्छा मैं फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई नया स्टूडेंट है या वो पुराने वाले हैं, तो आई थिंक दिस इज उसामा नजीर, हमारे पुराने जो स्टूडेंट है वो है, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड इन द न्यू पार्टनरशिप, यानी कि आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है, रेज करना है ओल्ड PSR में, राइट ऑफ करना है न्यू PSR न्यू अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ ABN कंपनी अमाउंटिंग टू ₹3 लाख वुड बी पेड बाय बी, लाइबिलिटीज बीइंग टेकन ओवर बाय बी, अमलगमेशन से पहले लाइबिलिटीज ने टेक ओवर कर ली, एंड ऑल क्रेडिटर्स ऑफ CDN कंपनी वुड बी सेटल्ड बाय CND इक्वली, बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी पेड बाय CDN कंपनी बिफोर अमलगमेशन। इस पॉइंट में क्या बता रहे हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स बिफोर अमलगमेशन, और यहाँ पे क्या बता रहा है, लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय द फर्म बिफोर अमलगमेशन। तो पार्ट 6 में जो भी हाईलाइट हुआ हुआ है इसमें फर्म का कैश इन्वॉल्व होगा, राइट। और पार्ट 5 में कह रहा है कि वो
कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम डबल एंट्री करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे. ऑल रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज फॉलोज. अब उन्होंने सवाल में ऑब्वियसली बात है आपको रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई होगी, यानी कि मार्केट वैल्यू बताई हुई है कि रीवैल्यूड अमाउंट ये वाली वैल्यू पे टेक ओवर हो रहे हैं, मतलब नई फर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं एसेट्स वगैरह, ठीक है. लेकिन नीचे वो आपसे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं मांग रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांग रहा, रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहा है. तो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है जो कि आपको हर अमलगमेशन के सवाल में नजर आएगी. रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकते हो, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो, राइट. बात क्लियर है. कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही सॉल्व किया था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ही नहीं था. अब यहाँ पे देखते हैं. अच्छा जी, अब जरा, अब क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, अब जरा डिसोल्यूशन के स्टेप्स निकाले. डिसोल्यूशन के मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं, उसमें जरा मुझे एक बात ये कंफर्म कर दे, हमें डिसोल्यूशन में क्या करना होता है. हमारे पास डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है. हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास लायबिलिटीज हैं, हमारे पास कैपिटल है, रिजर्व है, राइट. ये आपके पास मोटे मोटे सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं. तो डिसोल्यूशन में हमने ये बात सीखी थी, एसेट एंड लाइबिलिटीज को हम क्लोज करते थे, क्लोज करना होता था, डिसोल्यूशन है क्लोज्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना. और कैपिटल और रिजर्व को हम क्लोज करते थे कैपिटल अकाउंट के थ्रू. बात क्लियर है ना, ताकि हमें डिफरेंसेस भी तो आइडेंटिफाई होते रहे कि अमलगमेशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैसा है और डिसोल्यूशन में कैसा है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तो अब आपने करना क्या है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने डिसोल्यूशन में भी करना है. पहले आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज तो अब नहीं करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफर, ठीक है. कि अब ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हो रही है, न्यू फर्म के अंदर ट्रांसफर हो रही है, राइट. सवाल पे आते हैं, ठीक है, ये काम किया. डिफरेंस फिर डिसोल्यूशन और अमलगमेशन के रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, अब इसके तरह स्टेप्स नोट कर लेते हैं, ठीक है. अमलगमेशन अब देखें यहां पे अमलगमेशन जो है वो किस सेंस में डिसोल्यूशन से डिफरेंट है, वो इस सेंस में डिसोल्यूशन से डिफरेंट है कि आपके पास डिसोल्यूशन में क्या होता था, डिसोल्यूशन में आपके पास ऑल टुगेदर सारे के सारे टी अकाउंट्स का वजूद खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है. यहां पे अगर मैं आपको ये बात कहूं, यहां पे हो क्या रहा है, पुरानी बुक्स क्लोज तो हो रही हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है,
है ना, ये मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन अमलगमेशन एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में बस यहाँ पे आके हम स्टॉप कर जाते थे, हम कहते थे हमने ओल्ड अकाउंट्स ओल्ड बुक्स को क्लोज किया एंड दैट्स इट, राइट। और अमलगमेशन में क्या आ गया, अमलगमेशन में आपने क्लोज तो करना ही है, लेकिन फिर क्या करना है, हिसाब किताब है तो सही पड़ा हुआ है, उसको आपने नई बुक में नई फर्म के अंदर ट्रांसफर कर देना है, पुरानी को क्लोज करके नई बुक में। इसको बिल्कुल इसी तरह समझे, डिसोल्यूशन में क्या था, पुराने रजिस्टर में आप सारा काम कर रहे थे, बस पुराने रजिस्टर का सारा काम आपने मिटा दिया, खत्म कर दिया, राइट। और अमलगमेशन में क्या है कि पुराने रजिस्टर को आपने फाड़ के फेंक दिया, उसके सारी चीजें खत्म कर दी आपने, आपको उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, उससे पहले जो चीजें पुराने रजिस्टर में लिखी हुई थी वो आपने न्यू रजिस्टर में कॉपी कर ली। बात समझ आ रही है? तो ये डिफरेंस है आपका अमलगमेशन का। स्टेप्स में जो डिफरेंस है वो फिर अब यहां आ जाएगा, हम डिसोल्यूशन के अंदर कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू क्लोज नहीं कर सकते। रीजन उसका क्या था, रीजन उसका ये था कि हमें फिर कैश एंड बैंक से रिलेटेड डबल एंट्रीज ऐसे पास होती थी, सारा हिसाब किताब ऐसे सेटल होता था कि ऑटोमेटिकली कैश एंड बैंक बैलेंस जीरो हो जाता था, राइट। यही होता था ना, हम क्या करते थे, बैलेंसिंग फिगर निकालते थे उसमें से, फिर वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, जो भी, जिस तरह की हमने डबल एंट्रीज पढ़ी है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, अब अमलगमेशन डिसोल्यूशन से डिफरेंट तो है ही है, मेजर डिफरेंस ये है, डिसोल्यूशन में बिजनेस खत्म हो रहा था, अमलगमेशन में अब वो नए तरीके से नए फॉर्म में वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को साथ लेते हुए सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने क्लोज करना है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। और क्लोज करने के लिए हम क्या करते थे, अगर एसेट होता था, एसेट के केस में क्या करते थे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्या क्रेडिट, एसेट अकाउंट, और मैंने आगे लिख दिया ओल्ड बुक्स, ठीक है, ये काम किया क्रेडिट, सही है। पुरानी बुक्स में फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है। फिर आपके पास अगर कोई लायबिलिटी होती थी तो लायबिलिटी का रिवर्स होता था, लायबिलिटी अकाउंट इन ओल्ड बुक्स आप करते थे डेबिट और क्या क्रेडिट करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये दोनों फिगर, ये दोनों डबल एंट्रीज आपने किस फिगर को यूज करके पास करनी है, बुक वैल्यूज को, राइट। ये भी बुक वैल्यू और ये भी बुक वैल्यू, दैट क्लियर, ये काम हो गया। फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या आता है, डिसोल्यूशन में आपने पहले एसेट्स को क्लोज कर दिया, एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, फिर आपके पास क्या होता था, फिर आपके पास ये सिचुएशन होती थी कि डिसोल्यूशन में आपके पास उन एसेट्स के साथ दो मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो सकती थी, या तो आप एसेट बेचते थे या आप क्या करते थे, कोई पार्टनर टेक ओवर कर दिया था। अमलगमेशन के केस में क्या होगा, ये हमने बात कर ली है ना, ये वाली बात कर ली थी ना, एसेट्स या लाइबिलिटी के साथ दो किस्से होंगे, इनफैक्ट तीन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, या तो लाइबिलिटी टेक ऑन ओवर बाय न्यू फर्म, कि जो नई फर्म बन रही है, अमलगमेटेड एंटिटी बन रही है, एसेट और लाइबिलिटी या तो उधर भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, ट्रांसफर होंगे, या अमलगमेशन से पहले पार्टनर्स ये नहीं चाह रहे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अब नए बिजनेस में आए तो वो क्या करे, पार्टनर्स उस बिल्डिंग को सेल कर सकते हैं, ठीक है, या टेक ओवर कर सकते हैं, राइट, क्लियर है ना बात।
स्टेप नंबर टू में अब मैं इकट्ठा एक स्टेप बना रही हूँ, ठीक है। हमने डिसोल्यूशन में तो मैंने आपको अलग अलग स्टेप बनाया था कि टेकन ओवर की क्या होगा, क्या कहते हैं सोल्ड या रियलाइज का क्या स्टेप होगा, तो इधर मैं एक ही स्टेप में बना रही हूँ क्योंकि अब हमें अच्छी खासी चीजें आ गई हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एसेट्स या लायबिलिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट्स होंगी, एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर टू न्यू फर्म। या सोल्ड और रियलाइज का टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, एसेट या लायबिलिटीज रियलाइज या, ठीक है, रियलाइज्ड और पेड और टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, कंफ्यूजिंग तो नहीं है। तीन जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको मैं अभी एक एक ही स्टेप में हम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है इन तीनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। अच्छा जी, तो इसकी डबल एंट्रीज लिखूं या चलेगा? एसिड ट्रांसफर टू न्यू फर्म, अगर कोई एसिड ट्रांसफर हुआ है न्यू फर्म में, बस ये चीज देख लें, ट्रांसफर टू न्यू फर्म। बाकी दोनों सिनेरियोस तो हमने डिसोल्यूशन में कर लिए ना, कि अगर वो रियलाइज या पे हो या टेकन ओवर बाय पार्टनर हो, उसकी तो ट्रीटमेंट हमें पता है। अगर कोई एसेट न्यू फर्म में या लाइबिलिटी न्यू फर्म में ट्रांसफर हो रही है तो फिर हमें क्या करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहती हूँ कि हमारे पास एक फर्नीचर था 100 रुपए का, और वो ये डिसाइड हुआ कि ये फर्नीचर जो है ये नई फर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, ओल्ड बुक्स के अंदर, ओल्ड बुक्स में आपके पास आ रहा होगा फर्नीचर का टी अकाउंट। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है जी, कह रहे हैं आप बात, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ओल्ड बुक के अंदर फर्नीचर के अकाउंट को कर देंगे क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ये हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, देखिए ओल्ड बुक्स में आपके पास फर्नीचर का बैलेंस आ रहा था 100 रुपए, अब आपको ये 100 रुपए दिखाने हैं किसमें, न्यू बुक्स के अंदर। न्यू बुक्स में तो अभी कोई डबल एंट्री पास ही नहीं हुई है, फर्नीचर का कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं हो रहा, तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे फर्नीचर की रिकॉर्डिंग करनी है न्यू बुक्स में। तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 100 रुपए से, क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो आपने पुरानी बुक्स में फर्नीचर को राइट ऑफ करने के लिए डबल एंट्री क्या बनाई, फर्नीचर क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और स्टेप नंबर टू में अब आपने न्यू बुक्स में फर्नीचर की रिकॉर्डिंग करनी है, तो फर्नीचर डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डिफरेंस क्या है ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स का, ठीक है। तो अगर एसेट है, न्यू बुक्स में ये डेबिट हो जाएगा, किस वैल्यू पे ये भी देख लेते हैं, और वही वाला रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और किस वैल्यू पे, रिवैल्यूड अमाउंट पे, अग्रीड वैल्यू पे। राइट, क्लियर है बात? अगर किसा आता है, अगर अभी क्लियर नहीं है तो मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, हम लोग अभी फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट के रट्टा मार लें, हो जाएगा किस्सा सारा खत्म। लायबिलिटी ट्रांसफर टू न्यू फर्म के केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अग्रीड वैल्यू पे, और क्या क्रेडिट, लायबिलिटी अकाउंट न्यू बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, और ये कौन सी वैल्यू है, ये भी आपकी रीवैल्यू अमाउंट, अग्रीड वैल्यू। क्लियर है बात? अगर ये चीज क्लियर नहीं है इधर आ जाए फिर।
क्योंकि आपको डबल एंट्रीज बनाने को नहीं बोलता ना, हो सकता है आप ही जाए जर्नल एंट्रीज मांग ले, वो तो पता होना चाहिए। लेकिन अब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ यू होगा, क्वेश्चन के अंदर सारी सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे आपने डेबिट साइड पे लिख देना है, डिसोल्यूशन में भी हम यही करते थे। ऑल लायबिलिटीज एंड प्रोविजन एट बुक वैल्यू, हम डिसोल्यूशन में भी यही करते थे। डिफरेंस क्या था कि उसमें फिर ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटीज नहीं होती थी, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश और बैंक के अलावा बाकी सारी चीजों के साथ आप यही करते थे। अब फिर क्या करना है, सारे आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट को आपने कर दिया क्लोज, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। अब आपने क्या करना है, आप डबल एंट्री पास करनी है किसकी, जो उनके साथ आप ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डबल एंट्री पास करनी है लाइबिलिटी की अगर बात करें, लाइबिलिटी पेड यानी कि इसमें कैश के थ्रू, इधर डबल एंट्री पड़ेगी क्या कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू पड़ेगा। ये समझ नहीं आ रहा, टेंशन ना ले, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगी। और तीसरा आपके पास ऑब्वियसली अब नई फॉर्म में भी तो कोई लाइबिलिटी हो सकता है ट्रांसफर होना, लाइबिलिटीज तो ये तीनों जो फिगर्स हैं ये बुक वैल्यूज नहीं होंगी, ये क्या होंगी अग्रीड वैल्यूज, ठीक है। सिर्फ बुक वैल्यू मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। अब एसेट्स के साथ कर लेते हैं, जहां पे रियलाइज का टर्म आ जाए वहां पे आपने डबल एंट्री पास करनी है कैश से, ये आपने करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और ठीक है, ये काम किया और फिर उसी तरह से रियलाइजेशन गेन या लॉस आएगा। अगर तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर है तो ये क्या कहलाएगा, रियलाइजेशन गेन, जिसको आपको डिवाइड करना होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट, किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर। इसी तरह से अगर रियलाइजेशन लॉस होता है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी क्रेडिट साइड पे और इसको भी आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पीएसआर में। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैं ये बारह बार रिपीट कर रही हूँ कि जहां पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस्तेमाल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट भी किसमें बनाने हैं, ओल्ड बुक्स के अंदर, है ना। यानी कि क्या मतलब हुआ, ओल्ड बुक्स का क्या मतलब हुआ, सेपरेट होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसमें अभी यहाँ पे टू फर्म्स है ना, सेपरेट होंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट ए बी का अलग बनेगा, सी डी का अलग बनेगा, इज दैट क्लियर। फॉर्मेट कॉपी कर ले, फॉर्मेट ऑब्वियसली दोनों का सेम होगा लेकिन आपने फिर हर एंटिटी का अलग अलग बनाना है। अब जल्दी से सवाल पे आ जाते हैं, अच्छा फॉर्मेट के लिए जगह छोड़ दे, मैं क्लास के बाद में फिर आपको शो कर दूंगी अगर किसी का मिस आउट हो गया, ठीक है। सवाल भी जल्दी से आते हैं तो सबसे जी, बाकियों को भी डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये सब हमीदुल्लाह का है, ठीक है। चले सबसे पहले काम क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। वैसे ही स्टेप नंबर वन में हमने रियलाइजेशन अकाउंट को रखा हुआ है तो हम अपना स्टेप नंबर वन फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर वन कहता है कि आपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना है। एक काम ये करते हैं, डबल एंट्रीज को फॉरगो करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। पहले हम बनाते हैं क्या नाम है पहली एंटिटी का, एबीएन कंपनी,
और साथ ही दूसरी एंटिटी का भी हम ठीक है, सीबीएन कंपनी का भी हमने बना दिया। पहले हम एबीएन कंपनी का सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सारे एसेट्स बुक वैल्यूज के साथ आपने लिख देने हैं डेबिट साइड पे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है। चले एक एक करके करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। फिर एबीएन कंपनी का कैश एट बैंक आ रहा है 2 मिलियन, इन्वेंट्री आ रही है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट है 1.2 मिलियन, डेटर्स हैं 2 लाख, फिक्स्ड एसेट्स हैं 13.5। तो इनको ठीक है क्वेश्चन खोले रखें या इधर आ जाए, मैं बस डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, आपके पास कैश है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर्स है और फिक्स्ड एसेट्स है। चेक कर लेते हैं, कैश, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स 2 मिलियन, 2 लाख, 1.2, 2 लाख और 13.5। एज इट इज मैं लिख दूंगी ये और आपका आ गया 13.5 मिलियन। ठीक है, एसेट्स आपने यहाँ पे लिख दिए, रिकॉर्ड कर दिए। अब बारी आती है किसकी, लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में एबीएन कंपनी का आ रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, करंट अकाउंट के अलावा, करंट अकाउंट तो आपके इक्विटी का हिस्सा है ना, अभी तक आपने सिर्फ क्या पिक करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एंट्रीज इसलिए करवाई है कि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से इस अकाउंट में आए हैं फिगर्स ये वाली। ठीक है, तो आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में 1.8 मिलियन आपने यहाँ दिखा दिया। स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट एबीएन कंपनी के लिए। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो 3 ट्रीटमेंट है एट मोस्ट किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की, वो काम आपने करना है। ठीक है, अच्छा आपके पास क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। तो आपके पास क्या सिचुएशन है कि 3 लाख के क्रेडिटर्स जो है वो बी ने पे करना है, यानी कि बी ने अग्री किया है कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, राइट? तो आप क्या करोगे, डबल एंट्री कितना, ये क्या चीज होती है, एज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। समझ में ना आए कि डेबिट पे लिखना है क्रेडिट पे लिखना है, तो ये याद रखें कि बुक वैल्यूज लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे आएंगी क्रेडिट साइड पे, और उसका जो अगला स्टेप होगा उसके साथ जो अगली ट्रीटमेंट होगी वो आएगी डेबिट साइड पे हमेशा। तो आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बी का क्रेडिट करेंगे और यहां पे आपने 3 लाख से डेबिट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने थे ट्रेड क्रेडिटर्स, 1.8 मिलियन, और 1.8 मिलियन में से यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ रुपी ऑफ एवियन कंपनी अमाउंटिंग टू 3 लाख वुड बी पेड बाय बी, यानी कि 1.8 मिलियन में से 3 लाख जो है वो बी टेक ओवर कर लेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो बाकी क्रेडिटर्स बचते हैं उनका क्या होगा, 1.5 मिलियन के क्रेडिटर्स के साथ क्या हो गया, क्या होगा, क्योंकि इसमें आगे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि जो रिमेनिंग 1.5 मिलियन के क्रेडिटर्स हैं वो फर्म ही पे ऑफ करेगी। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है रिमेनिंग 1.5 मिलियन के ट्रांसफर हो जाएंगे न्यू फर्म में। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है एबीएन कंपनी के टोटल क्रेडिटर्स हैं 1.8 मिलियन। नसीर हमीदुल्ला, नसीर ने ओके कर दिया जवाब। तो 1.8 मिलियन के आपके टोटल क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से ये बात बोली जा रही है कि एबीएन कंपनी के टोटल क्रेडिटर्स में से 3 लाख बी टेक ओवर कर रहा है। तो जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स पीछे बचते हैं कितने, 1.5 मिलियन, तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि वो न्यू फर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? उनको किस तरह से शो करेंगे, डबल एंट्री उनकी क्या बनती है, अभी मैंने आपको लिखवाई
जो लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू फर्म है उनकी डबल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स के नाम का टी अकाउंट हम क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए नीचे मेंशन कर दें न्यू बुक्स, ठीक है, कि ये वो लाइबिलिटी है जो कि ट्रांसफर हो रही है न्यू बुक में, रिटेन हो रही है 1.5 मिलियन। क्लियर है इतनी बात, जवाब सही है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स का किस्सा आपने खत्म कर लिया, पूरे के पूरे 1.8 मिलियन को आपने बता दिया 1.8 मिलियन के साथ क्या किस्सा हुआ, राइट। अब हम आते हैं उसकी एसेट्स के ऊपर, एसेट्स के बारे में देखते हैं कुछ कह रहा है ये। अच्छा ये तो सीडी के बारे में कह रहा है, तो उसके बारे में हम बाद में आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सीएनडी का है, और वो ये कह रहा है ऑल रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म फॉर दिस पर्पस, द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज फॉलोज। और यहाँ पे लेकिन पेबल को उन्होंने रीवैल्यू नहीं किया, तो इसलिए हमने 1.5 एसेट्स वहां पे लिख दिया। अगर यहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई होती तो हम रीवैल्यूड अमाउंट लेके जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो एसेट्स हैं वो सारे इन वैल्यूज पे टेक ओवर हो रहे हैं, 220, 1350, 150 और 14350। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें क्या करना है, एसेट्स को सारे के सारे एसेट्स को वो कह रहे हैं कि वो टेक ओवर हो रहा है इन इन वैल्यूज पे, तो हम क्रेडिट साइड पे जो एसेट की वैल्यूज लिखेंगे वो उनकी रीवैल्यूड अमाउंट होंगी। क्लियर है बात, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, जो डिफरेंस है वो रियलाइजेशन गेन या लॉस बन जाएगा ना। अगर रिवैल्युएशन होता उसको हम रिवैल्युएशन गेन या लॉस कहते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि हम रियलाइजेशन बेसिकली देखो वही चीज है, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख और इन्वेंट्री की जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो है 2,20,000, 20,000 का इधर क्या है गेन है, तो वो रियलाइजेशन गेन बन के उसका टर्म डिफरेंट हो जाएगा, वो रियलाइजेशन गेन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा 5 एसेट्स में से 4 की उन्होंने हमें मार्केट वैल्यूज गिवन है, 1350, 150, 14350, ठीक है, 000। अच्छा अब कैश रहता है, अब कैश के साथ भी वही हिसाब है, कैश की उन्होंने कोई रीवैल्यूड अमाउंट हमें नहीं दी हुई, तो हम किस पे इसको ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पे, और कैश आपका रीवैल्यू कभी होता ही नहीं है ना। जो 2 मिलियन का कैश है उसकी वैल्यू हमेशा 2 मिलियन ही रहेगी, ऐसे नहीं होगा कि वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए खुद से। क्लियर होगी बात, तो जिन एसेट्स की रीवैल्यू, जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है उनकी रीवैल्यूड अमाउंट, और जिनकी नहीं गिवन उनकी बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी क्लियर होगी बात, अब आपके पास क्या सिचुएशन है, अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करने जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपकी क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, ठीक है, कितने से ज्यादा है, 9,70,000। तो अभी आपके पास क्या सिचुएशन हो गया, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, वो आपका हो जाएगा क्या, रियलाइजेशन गेन। ये गेन ऑन रियलाइजेशन हम रेजोल्यूशन में भी कर चुके हैं ना, हमने निकाला हुआ है गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन, बिल्कुल उसी तरीके से क्या हिट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी के 2/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2/3। तो उस 9,70,000 के टोटल गेन को आपने 2/3 में डिवाइड कर देना है, 388 और 582, क्लियर है बात। तो यानी कि ये ओल्ड कैपिटल अकाउंट में ये गेन चला जाएगा। जी हमीदुल्ला, जवाद, नसीर, क्लियर है, ठीक है। फिर एक काम करें, सी एन डी का जरा रियलाइजेशन अकाउंट जल्दी से मुझे बना के बताएं, जल्दी से। नसीरुल्ला क्लास स्टार्ट तो नहीं हुई FAR2 की,
2 मिनट में जल्दी से चेकने की चले, एक काम करें 5 मिनट और दे दें, ठीक है? जल्दी से सी एंड डी का जरा करें चेक, क्या आ रहा है? थोड़ा रिपीट करूं, रियलाइजेशन अकाउंट क्या करना है आपको? सबसे पहले आंखें बंद करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओ अच्छा, ठीक है। आपको सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, एक काम करो हमीदुल्ला, ये पहले जवाब और नसीब पे कर लें, तो मैं आपको एंड में रिपीट कर दूंगी, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू। नसीर जवाब कर रहे हैं ना सॉल्व? चलें गुड। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो हाँ जी, हाँ सिंपल लिस्टिंग करनी है पहले। लॉस आया, कितने का आया लॉस? फाइव टू फाइव ट्रिपल जीरो, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज मैं असल में आप लोगों की चेक करना चाह रही थी, जरा प्रेजेंटेशन पर आते हैं, ठीक है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले ही हमने सवाल पढ़ लिया था,
हमें सवाल पढ़ के अंदाजा हुआ 1,27,500 का गेन। ओए हुए, अच्छा सीओडी बड़े खुश होंगे आप लोगों से आपसे कि भाई इतना गेन दिखा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जरा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं कि आपके जो अमलगमेशन का पार्ट है, अमलगमेशन का टर्म ये है कि कोई कुछ लाइबिलिटीज क्या होंगी आपकी, क्या कहते हैं, ट्रांसफर होनी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी पेड बाय सीडी एंड कंपनी बिफोर अमलगमेशन, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने से पहले क्या कर दिया, पे कर दिया, पुरानी एंटिटी ने आपका क्या कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट अपने ही कैश को यूज करते हुए पे ऑफ कर दिया। बात समझ आ रही है, यही सिचुएशन है ना। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप पे हम रुके, हमने कहा कि अच्छा ये हमारे पास क्या सिचुएशन हुआ, हमारे पास ये सिचुएशन हो रहा है कि आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है 5 मिलियन का, टी अकाउंट था कैश का जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 5 मिलियन। अच्छा 1 मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ मैंने ठीक है सही है, ये वाली जो बात है ना ये बेसिकली इतना सिंपल नहीं है, ये मैंने अलग से लिख दिया हुआ है। सही है, सही, ठीक है। अब जरा ये समझ ले, हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट था 2 मिलियन का, ठीक है, हाँ 7,25,000 का लॉस होगा। हाँ जवाब आपने हाल से आपने उसी तरीके से किया जैसा मैं सोच रही हूँ कि आपने कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं इंक्लूडिंग कैश का अकाउंट, ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी कि हमें रियलाइजेशन, ठीक है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सारे काम जो क्या कहते हैं बिजनेस ने जो अपने वो अपने फर्म के कैश को यूज करते हुए अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है या अगर कोई एसेट बेचा है और आपके पास कैश आया है तो आपने करना क्या है। यहाँ पे मैं जरा मैं जो रिवैल्यूएशन का रियलाइजेशन अकाउंट का टी अकाउंट बनाया उसके मैं थोड़ा फॉर्मेट अभी चेंज करूंगी, ठीक है, उसमें मैंने इतना एक्सप्लिसिटली ये लिखना नहीं चाहिए था, जैसे शायद आपका आंसर डिफरेंट भी आए। तो आपने करना क्या है, नंबर वन लाइबिलिटी पहले पे ऑफ हो रही है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ हो रही है, यानी कि सीडीएन कंपनी का ये जो कैश है बैंक है 5 मिलियन का, इसमें से सबसे पहले स्टेप पे आप क्या करेंगे, अमलगमेशन का काम करने से पहले बोलेंगे कि हम जरा ये 2 मिलियन की लाइबिलिटी तो पे ऑफ करें। तो आपके पास सिचुएशन क्या होगा, आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास कैश का अकाउंट है जिसमें 5 मिलियन का अमाउंट पड़ा हुआ है, पर आपने क्या करना है, कैश के अकाउंट को क्लोज करने से पहले कैश में 5 मिलियन का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर करने से पहले आपने क्या करना है कि मेरे पास जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना मैंने वो उसकी भी पेमेंट करनी है। यानी कि क्या होगा, 2 मिलियन में से 2 मिलियन का आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट का टी अकाउंट भी क्लोज हो गया है ना, लाइबिलिटी आ रही थी वो आपने पे ऑफ कर दी। तो मैं कैश के अकाउंट को ही फोकस कर रही हूँ अभी क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट 2 मिलियन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था और वो 2 मिलियन का क्रेडिट बैलेंस जो है वो अब डेबिट हो गया। क्लियर है बात, ये इतना फॉलो करें, बैंक ओवरड्राफ्ट के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा 2 मिलियन का और आप क्या कह रहे हो कि 2 मिलियन को हमने बिजनेस के कैश को यूज करते हुए पे ऑफ कर देना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है डेबिट और क्या हो रहा है, क्रेडिट कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब आपके पास कैश के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है पीछे, 3 मिलियन। अगर आपको कैरेट डाउन निकालना होता तो आपका कैरेट डाउन निकलता 3 मिलियन, राइट। लेकिन अब आपने क्या करना है, कैरेट डाउन को निल करना है। इसका क्या मतलब है, 3 मिलियन से आपने इस अकाउंट को क्रेडिट करना है और क्या डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, इज दैट क्लियर। तो आपके पास जो कैश का बैलेंस आएगा ना वो 5 मिलियन नहीं होगा, वो सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद वाला अमाउंट होगा। और क्या है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हमारी आएगी नहीं क्योंकि है ही नहीं कोई, इज दैट क्लियर। सिर्फ कैश का ही आइटम था,
तो आपने क्या करना है, एसेट की बुक वैल्यू को लिखना है, कैश की बुक वैल्यू को लिखना है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एनी लाइबिलिटीज दैट आर पेड। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बोल देती कि अमलगमेशन से पहले फलाना फर्नीचर हमने सेल भी कर दिया कैश के लिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर 1 मिलियन का कैश रिसीव हुआ, 5 मिलियन प्लस 1 मिलियन माइनस 2 मिलियन यानी कि 4 मिलियन का फिर बैलेंस ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, जबरदस्त। तो आपने बाकी सारे एसेट्स जो है वो वैसे के वैसे लिस्ट डाउन होंगे। इन्वेंट्री जो है वो आपका होगा 1.2 मिलियन। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, राइट, इन्वेंट्री, तो ये मत समझे कि जो कैश की फिगर आ रही है 3 मिलियन की, ये हमने बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश बैलेंस को नेट ऑफ कर दिया। नहीं, ये नेटिंग ऑफ नहीं हुई, ये पेमेंट होते हुए हमने दिखानी है। हमने पेमेंट कर दी 2 मिलियन की, जिसकी वजह से हमारा कैश रिजर्व कम हो गया और बैंक ओवर भी खत्म हो गया। नेटिंग ऑफ तो ये होती है कि लाइबिलिटी भी खड़ी हुई है, एसेट भी खड़ा हुआ है, सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन उससे किस तरह से की कि आपने उसको नेट ऑफ कर दिया, ये नेटिंग ऑफ नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हो जाएगा अब ये सवाल। तो अगर आप इसमें करेंगे 1.2 मिलियन 1 मिलियन 4 लाख ठीक है, फिर आपके पास आ गया डेटर्स आ गया, ये 4 लाख है। बुक वैल्यूज आपने बाकी सारे सिनेरियो सिचुएशन की वैसी करनी है। फिक्स्ड एसेट 1.8 मिलियन लाइबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा 5 लाख का। और फिर आपको क्या दिखाना है, आपको ये करते हुए दिखाना है कि आपके ये रहे क्रेडिटर्स जो टेकन ओवर है सी एंड डी के, ऑल क्रेडिटर्स यानी कि जो 5 लाख का आपने अकाउंट क्लोज किया था, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ, तो उसमें डबल एंट्रीज अभी हो सकती हैं आपकी। तो आपने 5 लाख को 250 डिवाइड कर देना, कर लेंगे अभी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, रियलाइजेशन गेन या लॉस निकालेंगे, सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स में बिल्कुल उसी तरह से लेके जाएंगे जितना हम कल लेके जा चुके हैं। ठीक है, कल भी जो हमने कैपिटल अकाउंट किया बनाए थे, 3 बनाए थे, 2 पुरानी फर्म्स के और 1 न्यू फर्म का। तो पुरानी फर्म्स में जैसे हमने रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को रेज किया था, इसी तरह रियलाइजेशन गेन या लॉस को भी हमने ओल्ड बुक्स के अंदर ओल्ड पीएसआर पे रेज करना है। इज दैट क्लियर? हो गई बात खत्म? टाइम अप हो गया है, वरना मैं क्वेश्चन पूरा करा देती। अब आप मुझे जरा ये बताएं, डू यू वॉन्ट मी टू डू अनदर क्वेश्चन ऑफ अमलगमेशन विद यू गाइस, या चलेगा? आज वैसे पार्टनरशिप खत्म करनी है। ठीक है, पार्टनरशिप चाहे तो खत्म कर लेते हैं अगर आपको जरूरत है। अच्छा, तो कल हम काम ये करते हैं, आज तो नहीं, आज तो आई हैव टू गो समवेयर। ठीक है, कल अगर मैं आपकी क्लास रखना चाहूं, नहीं मैं कैरी ऑन नहीं कर सकती बच्चे, मुझे कहीं जाना है अभी जरूरी। ठीक है, आई हैव टू बी समवेयर एट 4, तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती, वरना मैं बड़ी खुशी खुशी कंटिन्यू करती। अब आप मुझे ये बात बताओ, कल अगर मैं आप लोगों की क्लास रखूं कितने बजे, 9:30, अच्छा 11 से 12 बजे प्रैक्टिस क्लास, जवाब नसीरुद्दीन कोई क्लास तो नहीं है? हाँ, डे टाइम सुबह के वक्त। ठीक है, तो 11 से 12 एक काम ही करते हैं, प्रैक्टिस क्लास रखते हैं, उसमें फिर एक और अमलगमेशन का सवाल पूरा फिर ऑब्वियसली हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उसका रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, प्लस जो M4 और M3 रह गए ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो कल हमारी फिर मिक्सचर होगी, कल हमारा कोई लेक्चर क्लास नहीं होगा, कल हमारा होगा प्रैक्टिस क्लास पार्टनरशिप का। तो जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, सारा हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, जो चीजें कराने वाली हैं, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं है, मैं सारा पूरा क्वेश्चन नहीं करा सकती। आप लोगों को पता है संडे का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से नई पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा, पुराने उसमें क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जरा एक चीज देखें, यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, हाँ मैं इंशाल्लाह करवाती हूँ, यहाँ पे जरा गौर करें इस चीज को। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला इसने कि कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड बुक्स या कैपिटल अकाउंट इन न्यू बुक्स, ये क्या चाह रहा है,
ये चाह रहा है कि पूरे नई बुक्स में जो ट्रीटमेंट हो और पुरानी बुक्स में जो ट्रीटमेंट हो, दोनों ट्रीटमेंट्स आपको एक ही सी अकाउंट में नजर आ जाए। तो आपको बेसिकली करना क्या है, पुराने टी अकाउंट और नए टी अकाउंट को मर्ज करना है। क्या करेंगे, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाए, ब्रॉड डाउन से शुरू करें, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपका ये आ जाएगा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है। ख्याल किस चीज का करना है, गुडविल को आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है ना, गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवा देती हूँ, ये ठीक है। ये थोड़ा सा शायद इश्यू हो, प्रॉब्लमेटिक हो, इसको जल्दी से देख लें। रियलाइजेशन अकाउंट दोनों सेपरेट बनेंगे। पार्ट बी में आपको वो ये कह रहा है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और वो बनाने हैं और ईच पार्टनर, और सवाल में वो उसने वर्डिंग ऐसे इस्तेमाल की है कि वो ये नहीं पूछ रहा, बोल रहा कि जी मुझे न्यू फर्म की अलग चाहिए और ओल्ड फर्म की अलग चाहिए, यानी कि अब हमें एक ही कैपिटल अकाउंट में सारा काम करते हुए दिखाना है, राइट। कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन ही तो है, कर लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंसेस 6 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन। तो पुराना जो ब्रॉड डाउन आप अलग अलग करते हो, आप एक ही अकाउंट में आप लिख रहे हो। मैं 1000 में कर लेती हूँ, ठीक है, 3000। ठीक है, तो ओपनिंग आपके पास ही हो गया। स्टेप नंबर टू पे हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन के स्टेप्स अलग है, राइट। स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, गुडविल को रेज करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में हमें रेस करना है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 लाख को हमें रेस करना है किसमें, 2/3 में, और 1 लाख को हमें रेस करना है किसमें, 2/1 में। ये रेशियोज गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है, तो जब आप इसको रेज करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए कितना आएगा, ठीक है। इतने इधर तक फॉलो कर रहे हैं सारे। हमारे पास स्टेप, पहला स्टेप क्या आ रहा है, गुडविल को आपने रेज करना है ओल्ड पीएसआर में। तो अगर हम सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते, मतलब सेपरेट अकाउंट हमें बनाना होता कैपिटल अकाउंट का, तो वहां अलग अलग दो टी अकाउंट्स में फिगर्स लिख देते। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों टी अकाउंट्स को हमने बेसिकली मर्ज कर दिया। तो आप क्या करो, सिंपली सॉरी 120, 1,20,000, 1,80,000, 66.667 और 33.333। कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन के लिए फिर हमें पता है कि हमने इन दोनों के लिए पुरानी कैलकुलेशन और पीएसआर इन दोनों के लिए अलग करनी है, राइट। फॉलो करें सारे यहाँ पर, यहाँ तक बात ठीक है। फिर आपको क्या करना है, गुडविल को करना है राइट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो गुडविल अकाउंट इज टू बी मेंटेन इन द न्यू पार्टनरशिप। अब जो कल हमने सवाल किया था उसमें तो उन्होंने हमें न्यू गुडविल दी हुई थी न्यू फर्म की, यहाँ पे हमें टोटल गुडविल ऑफ द न्यू फर्म तो गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल ऑफ द न्यू फर्म कितनी बन जाएगी, 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस प्लस 1 लाख, यानी कि 4 लाख। तो आपको राइट ऑफ क्या करना है, 4 लाख को राइट ऑफ करना है किस रेशियो में, 2:1:1:1 में। इज दैट क्लियर नाउ, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब आप क्या करेंगे, इसी अकाउंट में आपने टोटल 4 लाख को डिवाइड कर देना है 2:1:1:1 में, 160, 80, 80 और 80। सही है। स्टेप नंबर थ्री क्या था, गुडविल के बाद आप क्या करते हो, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, रियलाइजेशन है, और रियलाइजेशन आपने सेपरेटली कैलकुलेट की हुई है। रियलाइजेशन गेन जाएगा 388 और 582। तो यहाँ पे आप आएंगे
388582, ये रियलाइजेशन गेन आ गया। और सी और डी के केस में क्या था? रियलाइजेशन लॉस था, तो आप यहां पे लिख दें सी और डी का रियलाइजेशन लॉस कितना आ रहा था। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 3,50,000 और 1,70,000, 175, ठीक है। 350 ये रियलाइजेशन, यहाँ पे वाले जब अकाउंट कंप्लीट करेंगे ना तो आंसर ये आएगा, अल्टीमेटली रियलाइजेशन लॉस आएगा। क्लियर हो गई बात? सही है। फिर हमें क्या डबल एंट्रीज पास करनी है, हमें देखना है रियलाइजेशन अकाउंट को ही दोबारा हम देखेंगे हमारे पास कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट का डबल एंट्री पास हो रही है। आपके पास एक ही हो रही है, इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जो आपका पार्टनर बी है वो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे एज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख, रेफरेंस टू द रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, लाइबिलिटी टेकन ओवर। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर आगे क्या गिवन है कि क्रेडिटर्स जो थे सी और डी के, वो सी और डी इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं, तो सी डी एंड कंपनी के क्रेडिटर्स कितने थे? 5 लाख। इसका क्या मतलब है? इधर भी आपके पास टेकन ओवर वाली सिचुएशन आ रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आ रही है ना। सही है। स्टेप नंबर वन, गुडविल रेस, राइट ऑफ न्यू पीएसआर, रियलाइजेशन गेन हमने रेस किया, लॉस रेस किया, राइट ऑफ नहीं करेंगे तब तक जब तक खास मेंशन ना हुआ हो। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हमें पता लगता है कि सी ने और डी ने 250 250 के क्रेडिटर्स टेक ओवर किए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सेम गोज फॉर मिस्टर बी, राइट। ये काम हो गया। अच्छा फिर अब यहाँ पे आपको एक काम, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, एडमिशन और रिटायरमेंट वाले स्टेप्स को भी ऐसा ऐसा मिक्स कर रहे हैं, यानी कि इसमें डिसोल्यूशन वाले स्टेप्स भी हैं क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व है, और इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट वाला सिनेरियो भी है। क्यों? क्योंकि अमलगमेशन वाला सिनेरियो इसमें मोर और लेस वही वाला सिचुएशन होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 वाला काम हमने कर लिया, हमने रियलाइजेशन गेन, या सॉरी स्टेप नंबर 3 था ना हमारा रिवैल्यूएशन करना, रिवैल्यूएशन की जगह हमने कर लिया रियलाइजेशन, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अगर मौजूद है तो जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? करंट अकाउंट्स मौजूद है। तो हमने क्या करना है फिर, करंट अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दिस इज स्टेप नंबर 4 जो हम एडमिशन और रिटायरमेंट में कर रहे होते हैं, याद है ना, उसमें दो तीन चीजें हमने इकट्ठी कर दी थी। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने करना क्या है, करंट अकाउंट बैलेंसेस को करना है ट्रांसफर। करंट अकाउंट ए का क्रेडिट बैलेंस है, ये मैं कैसे कह रही हूँ, क्योंकि ये लाइबिलिटीज के नीचे लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटीज वाला जो पूरा कॉलम है, ये जो पूरा एरिया है, इसमें सारे क्रेडिट बैलेंसेस मौजूद होते हैं। तो आपके पास ए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 6.3 मिलियन। अब आपने क्या करना है, उस क्रेडिट बैलेंस को भी खत्म करना है, ट्रांसफर करना है इस बैलेंस को। तो हम करंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्लोज करने के लिए। करंट अकाउंट में ब्रॉड डाउन आ रहा है 6.3 मिलियन का क्रेडिट साइड पे, उसको खत्म करने के लिए 6.3 मिलियन से करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। बात समझ आ रही है? बिल्कुल उसी तरह जिससे हम जनरल रिजर्व को क्लोज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपके पास करंट अकाउंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए का 6.3 मिलियन, ठीक है, और सवाल में आ रहा है मिस्टर डी का 900,000, तो मिस्टर डी का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जी हमीदुल्ला, नसीरुद्दीन, क्लियर है बात? ठीक है, सारा काम अब आपने कर लिया, रियलाइजेशन भी हो गया, स्टेप नंबर 4 में जनरल रिजर्व नहीं थे, कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं थी, करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया। स्टेप नंबर 5 में क्या था कि अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी टेकन ओवर है उसकी भी हमने यहाँ पे डबल एंट्री पास कर दी। और आखिरी पॉइंट क्या है इसमें, सवाल के अंदर इन्होंने आपको 20 मिलियन का कैपिटल फिक्स कर दिया था, यानी कि अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
बैलेंस कैरेट डाउन की कैलकुलेशन होगी, 20 मिलियन को हमने डिवाइड करना है 2:1:1 में, ठीक है, 2:1:1:1 में आपने डिवाइड करना है। तो जब ये काम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8,000, 4,000, ठीक है, यही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर्स फिर जो आएंगी इन चारों पार्टनर्स की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशनल कैश इन्वेस्टेड, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द न्यू फर्म, राइट। तो वो आपके पास आ जाएगा और वो आपके पास है 160, सॉरी सबका नहीं आ रहा, नहीं, सबका नहीं आ रहा, बैलेंसिंग फिगर इसका आ रहा है अमाउंट, ठीक है, इसका रिफंड है 4648, मिस्टर ए का निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आएगा, यानी कि मिस्टर ए को हम क्या देंगे, उनका कैश देंगे, उन्होंने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की भी है तो हम उनको कहेंगे कि आप ड्रॉइंग कर लो। और मिस्टर बी का आएगा 18,000, 18,000 फर्दर कैश उन्होंने लेकर आना है, इनका आएगा, ठीक है, इन्होंने 1111.333 और इनका आएगा 71.667, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बन जाएगा, इसको आप होमवर्क में करें, कल फिर हम इंशाल्लाह ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म को हम फिर देख लेंगे, सॉल्यूशन में आप लोगों से शेयर कर लूंगी। चलें अब जितना भी आपके पास आज का टाइम है, चाहे तो और क्वेश्चंस भी अटेंड कर लें, फिर कल हम इंशाल्लाह 11 से 12 बजे डिस्कशन क्लास एक रख लेंगे जिसमें हम इन तीन सवालों को भी डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो, राइट। चलें जी, इजाजत दें फिर, अच्छा हमीदुल्ला, अच्छा बाकी जवाब और नसीरुद्दीन आप लोग जा सकते हैं, हमीदुल्ला रियलाइजेशन अकाउंट का थोड़ा फॉर्मेट जल्दी से देख रहे हैं, मुझे बहुत देर हो रही है अभी, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर बंद कर रही हूँ।